यू आर वॉचिंग BitBNS News। हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, यूरोपियन पार्लियामेंट प्रिलिमिनरी क्रिप्टो रेगुलेशन पर सहमत है। डोजकॉइन शिप क्रिप्टो मार्केट शेड के रूप में अधिक नुकसान पोस्ट करता है $11 बिलियन रातों रात। फर्स्ट एवर मेजर अमेरिकन बैंक ने क्रिप्टो कस्टडी सर्विस शुरू की। रिपल ब्रांड न्यू पार्टनरशिप के जरिए फ्रांस और स्वीडन में ODL को एक्सपैंड करता है। जापानीज टेलीकॉम जायंट NTT डोकोमो ने $412 मिलियन मेटावर्स यूनिट लॉन्च की। मेजर बैंक्स ने रेवेन्यू में वृद्धि दर्ज की क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्रिप्टो को छोड़ दिया। क्रिप्टो और डिजिटल बैंक माइनप्लेक्स ने जेम से $100 मिलियन की फंडिंग हासिल की। अलायंस ब्लॉक ने डेफाई को और एक्सेसिबल बनाने के लिए ऑन रैम्पर के साथ सहयोग किया। पोर्चुगल ने अगले साल एनुअल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पर 28% टैक्स का ऑफर रखा है। लेयर जीरो का ब्लॉकचेन लॉन्च होने पर एप्टोस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। मेटाप्लेक्स टोकन दूसरे एयरड्रॉप्स के बीच 60% क्रैश हो गया। यूरोपियन पार्लियामेंट ने सोमवार को क्रिप्टो करेंसी स्पेस के लिए एक प्रिलिमिनरी लीगल फ्रेमवर्क पास किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल एसेट कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना है, जो जल्द ही अंतिम वोट की उम्मीद है। कॉइन गेको के अनुसार शिबा इनू पिछले 24 घंटे में 4.5% गिर गया है और अब $0.00001032 पर कारोबार कर रहा है, जो मंगलवार को पहले देखे गए $0.00000998 के डेली लो से थोड़ा उबर रहा है। मैसिव क्रिप्टो मार्केट डाउनटर्न के बीच पॉपुलर मीम कॉइन की नीचे की कीमत कार्रवाई आती है, जिसमें सभी डिजिटल करेंसी का क्यूमुलेटिव वैल्यू 2.2% गिरकर $960 बिलियन के करंट लेवल पर आ गया है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में एक मेजर अमेरिकन बैंक ने क्रिप्टो कस्टडी सर्विस के लिए शुभारंभ की घोषणा की। हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट में सैन फ्रांसिस्को बेस्ड फिनटेक फर्म रिपल ने यह फैलाया है कि उसने फ्रांस और स्वीडन में अपनी पहली पार्टनरशिप की है, इन देशों में यूजर्स के लिए ODL लाया है। जापान के सबसे बड़े टेलीकॉम कैरियर NTT डोकोमो ने एक नया डिवीजन लॉन्च किया है, जो अपने मेटावर्स पुश को डायरेक्ट करने के लिए समर्पित होगा। क्योनॉक नाम की यूनिट पहले से ही काम कर रही है और इसमें 200 लोग का स्टाफ है, जो जापानीज करियर के ग्राहकों के लिए एक्सपेंडेड रियलिटी प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए गाइडेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉल्यूशंस पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है। लीडिंग ग्लोबल बैंक्स ने ट्रेडिशनल करेंसीज के लिए इन्वेस्टर्स की प्रायोरिटी के कारण रेवेन्यू में वृद्धि दर्ज की है, क्योंकि वह एक एक्सटेंडेड बियर मार्केट के बीच क्रिप्टोकरेंसी को बाईपास करते हुए दिखाई देते हैं। ब्लूमबर्ग ने 10 अक्टूबर की रिपोर्ट में बताया कि इस लाइन में ट्रेडिशनल करेंसीज का उपयोग करते हुए बिजनेस हिस्टोरिकल लेवल तक बढ़ गया है, जिसमें लगभग 30% की वृद्धि हुई है। क्रिप्टो स्पेस में निवेश के एक और दौर में सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो बैंक माइनप्लेक्स ने डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म जेम डिजिटल लिमिटेड से $100 मिलियन हासिल किए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव डिजिटल एसेट्स और ट्रेडिशनल बैंकिंग के बीच की खाई को बंद करना है। अलायंस ब्लॉक का प्राइमरी पर्पस क्रिएटर्स, डेवलपर्स और एंड यूजर्स सहित सभी पक्षों के लिए ब्लॉकचेन और डेफाई में प्रवेश की बाधा को कम करना है। इसे ध्यान में रखते हुए विजिटर्स के लिए अधिक स्ट्रीमलाइन एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए हाल ही में डेफाई टर्मिनल वेबसाइट को नया रूप दिया गया है। अलायंस ब्लॉक ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए अपने प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो की ओवरऑल यूटिलिटी में सुधार करने के लिए हार्डवर्क करता है।